आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आज कौन कौन सी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पीईटी के आधार पर कौन सी भर्ती पहले होगी। इसके अलावा लेखपाल पर भी चर्चा होगा। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो इसके लिए जब आप यूपी ट्रिपल एससी का होम पेज ओपन करते हैं, जिसका कि डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलेगा दो नई नोटिस। अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि आज यानी कि 9 नवंबर की दो नोटिस जारी की गई है। जो पहली नोटिस है ये 2016 के एक भर्ती के लिए है, जिसमें कि जो 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन की भर्ती आई थी, इसके लिए यहाँ पे 134 लोगों का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसके बारे में है। कहा गया है कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 7 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो अगर आप इसे संबंधित है तो आपको आयोग के कार्यालय पे जाना होगा 7 दिसंबर 2021 तक। ये तो हो गई पहली नोटिस, लेकिन पीईटी के आधार पे जो बड़ी अपडेट है इसके लिए आप दूसरी नोटिस पे गौर करेंगे। तो दूसरी नोटिस ये है स्वास्थ्य कर्मी भर्ती के लिए। जैसा कि हम आपको पहले से ही बता रहे थे कि यहाँ पे लेखपाल की भर्ती में आपको डिले देखने को मिलेगा, और दीपावली के पहले भी हमने कहा था कि लगभग 10 तारीख के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो 9200 के आसपास पद आने वाले थे, 9212, इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, और इसके लिए सबसे पहले आप इसका परीक्षा कार्यक्रम देखिए। ये नोटिस 9 नवंबर को जारी की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर मिलेगा, 2 घंटे का समय होगा। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय 2 घंटा, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ये है निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे पाठ्यक्रम को एक विस्तार में दिया गया है, जो कि आपके विषय में क्या होगा, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं एवं बहारूप की योजनाएं, इसके अलावा ये सारा आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में जारी किया गया है, और ख़ास बात यह है कि जो भी यहाँ पे हिंदी में है उसको नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा गया है, ताकि आपका जो भी आप जरिया रहा हो पढ़ने का, जो भी भाषा, आप उसको आसानी से समझ सकें। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके साथ ही आपको सिलेबस मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे सिलेबस तो पहले ही जारी कर दिया गया। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 11 नवंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाता है तो उसकी जो अंतिम तिथि होगी ये लगभग 12 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर हो सकती है। इसके लिए रही परीक्षा की बात, तो चुनाव से पहले लेकिन दिसंबर में नहीं हो पाएगा, लेकिन चुनाव फरवरी में शुरू होंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी अंत तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये है जो स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती आने वाली थी उसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या लेखपाल भर्ती में अब बहुत ज़्यादा देरी होगी या फिर वो चुनाव बाद देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो लेखपाल भर्ती है उसमें ट्रिपल सी वाला मामला फंस रहा था, इसके अलावा बाद में जा करके एक मंडल वाला भी मामला आ गया। ट्रिपल सी में ये था कि आयोग चाहता है कि ट्रिपल सी को अनिवार्य किया जाए, हालांकि लेखपाल के नियमावली में ऐसी कोई नियम नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन कराना है। दूसरा मामला जो मंडल वाला है, तो इसमें आयोग चाहता है कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन हो या फिर जो भी विज्ञप्ति जारी हो पूरे स्टेट लेवल पे हो, लेकिन राजस्व विभाग चाहता है कि इसे मंडलों के आधार पर भर्ती कराई जाए, जैसा कि 2015 में कराया गया था। तो यहाँ पे अभी इन पे डिसीजन होना बाकी है। हालांकि ट्रिपल सी में संशोधन ही होगा, ट्रिपल सी यहाँ पे अलाउ देखने को मिलेगा, और आगे आने वाले लगभग 10 दिनों के अंदर आपको लेखपाल का भी परीक्षा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। जब भी आपको परीक्षा कार्यक्रम मिलेगा उसके 1 से 2 दिन बाद उसका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो ये है आज के इस वीडियो में। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको ये पूरी अपडेट मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।